गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आज आपका स्पोकन का सेकेंड डे है ठीक है ना तो फर्स्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन बताया था ठीक है इंट्रोडक्शन कैसे देना है सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए मैंने आपको बताया था कि हर एक टॉपिक पे आपको कितना बोलना है तो आज वैसे ही डे टू ठीक है ना तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे एक्चुअली आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैंने बताने की कोशिश की है ताकि जो बिगिनर्स हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जैसे सबसे पहले जब हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक है, है ना तो हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं ए टू जेड ए टू जेड ही स्टार्ट करते हैं ठीक है तो इस ए टू जेड को क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स और जब हम अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब वर्ड्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारे सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है ना तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा हो गया अब मैं आपको आज आज की जो टॉपिक है वर्किंग टाइम सबसे पहले वर्किंग टाइम के बारे में बताऊंगी तो बताने से पहले मैं आपको समझा दूं कि वर्किंग टाइम होता क्या है तो जैसे कि वर्किंग टाइम और यहाँ आप देख रहे होंगे कंटिन्यूस लिखा हुआ है यानी कि जो भी हमारा वर्क हो रहा है ठीक है ना वो कंटिन्यू है ना तो वो अभी मैंने मतलब स्टार्ट पहले ही कर दिया है और ख़त्म नहीं किया है वो बीच में ही है ठीक है ना स्टार्टिंग हो चुकी है बट खत्म नहीं हुआ है वो बीच में ही चल रहा है तो उसे ही हम कहते हैं वर्किंग टाइम या अगर टेंस में बोले तो प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस ठीक है ना जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रही हूँ ठीक है तो मैं पढ़ा रही हूँ यानी मेरा अभी जो पढ़ाने का काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है ठीक है तो वो कंटिन्यू चल रहा है तो इसी को हम बोलते हैं वर्किंग टाइम या कंटिन्यूस टेंस ठीक है तो अब इस पे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं या कैसे हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं वो देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले अगर आपको रूल अगर पता चल जाए तो फिर आप आराम से बोल सकते हो इंग्लिश को अगर फ्लो में लाना है तो आपको सारे रूल्स मतलब क्लियर होने चाहिए ठीक है तो वर्किंग टाइम का या कंटिन्यूस टेंस का अगर मैं बताऊं आपको कि रूल क्या है या फिर स्ट्रक्चर क्या है जिस पे आपको सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है देखिए सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं अगर कंटिन्यूस जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं ठीक है ना कंटिन्यूस या वर्किंग टाइम का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इज एम आर ठीक है तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट उसके बाद आपको इज एम आर सेलेक्ट करना है ठीक है इज किसके लिए लगाएंगे जो सिंगल पर्सन हो मीनस टू से लिए एम आई के लिए और आर जो प्लूरल हो इट मीन्स कि यू और वी दे ऐसे चलता जाएगा ठीक है वी अच्छा वी तो मैंने बता दिया है ना चलिए तो ऐसे प्लूरल के लिए आर सिंगुलर के लिए ईस और आई के लिए एम लगाएंगे ठीक है ना तो आपको सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और एक्शन के साथ आपको आईएनजी लगाना है इसी को वर्फ फोर भी बोलते हैं ठीक है एक्शन के साथ आई एन जी सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट मीन्स डूअर इट मीन्स जो उस काम को कर रहा हो ठीक है जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हो गई ठीक है सब्जेक्ट मैं हो गई यानी कि डूअर यानी उस काम को करने वाला काम क्या हो रहा है पढ़ाने का यानी टीचिंग का काम हो रहा है तो एक्शन क्या हो गया मेरा टीच है ना एक्शन टीच और उसके साथ मुझे क्या लगाना है आई एन जी ठीक है तो जैसे कि देख देखिए फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन में कौन आ गया आई तो आई के साथ मैंने क्या लगाया एम और एक्सन के साथ आई एन जी लगा दिया ठीक है ना तो आपको ऐसे ही लगाते चलना है जैसे मैं बोलूँ मैं खा रही हूँ तो सेम क्या हो जाएगा आई एम ईटिंग अच्छा आई एम ईटिंग नहीं यहाँ पे आप एक चीज़ देखो चाहे आप ड्रिंक कर रहे हो या आप खा रहे हो ठीक है या तो आप खा रहे हो या पी रहे हो ठीक है ईट तो इसके लिए आप एक वर्ड बोल सकते हो टेक ठीक है ना यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो टेकिंग आई एम टेकिंग ठीक है अब ऐसे ही आप और एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे कि आम राइटिंग राइट के साथ आई एन जी तो इस तरीके से आपके सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे जो काम हमारा कंटिन्यू है ठीक है ना कंटिन्यू के लिए मैं आपको बता रही हूँ अब हम लोग आगे चलते हैं अब यही सेम एग्जाम्पल हम किसके साथ ले लेते हैं सेकेंड पर्सन के साथ ठीक है सेकेंड पर्सन के साथ जैसे मैं आपको बताऊं सेकेंड पर्सन के लिए भी सेम जैसे फर्स्ट पर्सन में हम रख रहे थे किसको आई को वैसे ही सेकेंड पर्सन में यू You के साथ मैंने आपको बताया था यू क्या है प्लूरल है तो प्लूरल के लिए मैंने यहाँ पे आर लगा दिया और एक्शन के साथ आई एन जी यानी कि वही फोर ठीक है ना जैसे देखो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे यू आर मूच अराउंड ठीक है अच्छा मूच मूच अराउंड का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ मूच अराउंड का मतलब होता है फालतू इधर उधर घूमना जैसे कि अगर मैं बोलू मैं घूम रही हूँ तो आई एम वॉकिंग है ना या तुम घूम रहे हो यू आर वॉकिंग बट अगर मैं बोलूं कि मैं फालतू घूम रही हूँ ठीक है मेरे पास कोई काम नहीं है फालतू मैं घूम रही हूँ तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम मूच अराउंड या इसी को इसी के लिए एक और वर्ड है रोम अराउंड ठीक है रोम अराउंड रोम अराउंड या मूच अराउंड फालतू घूमने को कहते हैं ठीक है थीके? अगर जैसे कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनके पास कोई काम नहीं है और वो फालतू इधर उधर घूम रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहोगे वाई आर यू मूच अराउंड ठीक है ना तुम तो फालतू इधर उधर क्यों घूम रहे हो वाई आर यू मूच अराउंड ठीक है तो यू आर मूच अराउंड या यू आर रोम अराउंड यानी कि तुम फालतू घूम रहे हो अब यही और एग्जाम्पल मैं ले लूँ तो सेम उसी तरीके से क्या हो जाएगा अब जैसे भी ले सकते हो यू आर रीडिंग यू आर टीचिंग यू आर टेकिंग यू आर बाथिंग यू आर वॉकिंग ठीक है एज योर बेस आपको जो बोलना हो मतलब कंटिन्यूस टाइम में आप एकदम आराम से ऐसे बोल सकते हो ठीक है ना जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ यू आर रीडिंग यू आर टेकिंग अभी मैंने आपको बताया था अगर आप ईट कर रहे हो या ड्रिंक दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं टेकिंग ठीक है taking. डेंसिंग अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यू आर डेंसिंग मैंने अभी क्या कहा डेंसिंग है ना डेंसिंग और एक डांसिंग या आप समझ लो डेंस या डांस ठीक है ना तो डेंस या डांस तो डेंस क्या हो जाता है हमारा कि अगर हम कोई ठीक है ना जैसे कि अगर हमें बोलना हो Uh, आपने सुना होगा एक सुपर थर्टी में सॉन्ग था ठीक है सुपर थर्टी में क्या सॉन्ग था कि हाँ मुझे याद आ रहा है बसंती नो डांस ठीक है तो यहाँ पे उसने क्या बोला था डेंस ठीक है तो डांस हम बोलते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में ठीक है अमेरिकन लैंग्वेज में और हम डेंस uh, बोलते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज में ठीक है दोनों में से कोई गलत नहीं है बट मैं आपको केवल जानकारी के लिए बता रही हूँ कि अगर आप बोलते हो डेंस तो डेंस आ जाता है ब्रिटिश लैंग्वेज में और डांस आ जाता है अमेरिकन लैंग्वेज में ठीक है ना तो मैंने आपको बता दिया अब आगे चलती हूँ मैं और आगे मैं आपको बताती हूँ कि यही अगर आप थर्ड पर्सन के साथ बोलोगे ठीक है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ही और सी यानी कि सिंगुलर फॉर्म ठीक है तो सिंगुलर के साथ आप क्या लगाओगे हेल्पिंग वो इज़ ठीक है और इज़ के बाद एक्शन और एक्शन के साथ आई एन जी ठीक है अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो सी इज वॉचिंग टीवी ठीक है ना यहाँ पे मतलब वह टीवी देख रही है ठीक है यहाँ पे आप समझ हो कि वॉच लगाया गया है जबकि सी मतलब भी क्या होता है देखना है ना मतलब 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 भी भी मतलब भी देखना और watch मतलब भी देखना देखना और तीनों का मतलब सेम है देखना ही होता है ठीक है ना सी मतलब भी देखना लुक मतलब भी देखना और वॉच मतलब भी देखना बट यहां टीवी के लिए वॉच क्यों लगाया गया है यहाँ हम लुक भी तो लगा सकते थे ठीक है इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम किसी चीज़ को नॉर्मली देखते हैं ना नॉर्मली मतलब बिल्कुल नॉर्मली मतलब देखा और छोड़ दिया मतलब बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया तो उसके लिए नॉर्मली देखने के लिए सी का यूज़ करते हैं ठीक है, है? नॉर्मली देखने के लिए सी का यूज़ करते हैं और यहाँ वॉच अगर हम कंसनट्रेशन के साथ देख रहे हैं ठीक है कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं जैसे कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी हम थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट होता है और टीवी को हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो वॉच का यूज हम कहा करेंगे जहां हम थोड़ा कंसनट्रेट करके चीजों को देख रहे हैं और लुक का यूज हम कहा करेंगे जहां हम डीपली कंसनट्रेशन के साथ देख रहे हैं ठीक है ना डीपली कंसनट्रेशन के साथ जैसे क्लास में आप लोगों के टीचर ने आप कहा होगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड तो यहाँ पे लुक एट द ब्लैक बोर्ड क्यों बोला गया है क्योंकि वो आपको क्या कह रहा है वो आपको ये कहना चाह रहा है कि डीपली कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड को देखो ठीक है ना और उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आपको डिक्शनरी देखना तो डिक्शनरी के लिए भी आप लुक का यूज़ करोगे क्योंकि वो भी आप डीपली कंसनट्रेशन के साथ देखते हो ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि यही जो मैंने आपको कंटिन्यूस बताया है ठीक है ना वॉकिंग टाइम अगर उसे क्वेश्चन सेंटेंस के लिए बोलना रहे ठीक है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए बोलना रहे प्रश्नवाचक वाक्य के लिए बोलना रहे तो कैसे बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करोगे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो पहले आर लगा हुआ है तो पहले आर लगा हुआ है इसमें हम जैसे कि पूछ रहे हैं अगर जब भी हम क्या से स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस को क्या से स्टार्ट करते हैं क्या तुम खा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर यू ईटिंग तो जब भी हम क्या से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे लेकिन लास्ट में वही रहेगा हमारा क्या तुम खा रहे हो ठीक है ना रहे हो मतलब कि हमारा जो वर्क है वो कंटिन्यू है ठीक है वो स्टॉप नहीं हुआ है तो यहाँ पे आर यू ईटिंग या टेकिंग ठीक है ना अभी मैंने आपको बताया था आर यू टेकिंग ठीक है तो जहां भी आपको आप क्वेश्चन पूछो और यस और नो में जब आपको आंसर मिले ठीक है तो वहां पे आप सेंटेंस कैसे स्टार्ट करोगे आर के साथ ठीक है और अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आर यू राइड रेसली आर यू राइड रेसली राइड रेसली का मतलब आप लोग तो जानते हो गाड़ी तेज चलाना ठीक है ना या राइडिंग रेस्टली ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या तुम बाइक तेज चला रहे हो ठीक है क्या तुम बाइक तेज़ चला रहे हो तो यहाँ पे अगर ऐसे पूछा गया तो जहाँ भी आपके क्वेश्चन कुछ, आप क्वेश्चन पूछो और आपको यस और नो में रिप्लाई मिले तो वहाँ पे आप सेंटेंस कैसे शुरुआत करोगे हेल्पिंग वर्ब से यानी इज एम आर से ये सारे मतलब चाहे फर्स्ट पर्सन हो सेकेंड हो थर्ड हो सबके लिए यूज़ होगा बट ये रहेगा कि जब आप आ, मैं या जब आप आई के लिए पूछोगे तो आप एम से स्टार्ट करोगे और ही और सी के लिए पूछोगे तो uh, इच से स्टार्ट करोगे तो मैंने आपको बता दिया यस और नो मैं अगर आपको इस आंसर uh, सुनना हो तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर एक्शन के साथ आई एन जी ठीक है ना चलिए तो ये हो गया अब यही अगर क्या ये जो आ, आ रहा है ना क्या क्या तुम खा रहे हो क्या तुम जा रहे हो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है यही अगर क्या बाद में आए तुम कहाँ जा रहे हो या तुम क्या कर रहे हो ठीक है ना तुम क्या कर रहे हो तो यहां भी आप लास्ट में देख सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो यानी कि क्या बाद में आ रहा है हम क्या आर का या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले तब करेंगे जब हमारा क्या सबसे पहले आए ठीक है लेकिन यहाँ क्या बाद में आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे वाट आर यू डूइंग जब क्या बाद में आए या क्या क्यों कैसे कब बाद में अगर आ रहे हैं तो हम डब्ल्यू एच वर्ड को पहले रखेंगे उसके बाद इज एम आर और सब्जेक्ट और उसके बाद फिर एक्शन के साथ आई एन जी यानी कि वर्ब फोर ठीक है ना तो ये दो तरह के हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो गए अब एक लास्ट टॉपिक तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं फटाफट ये देखिए यहाँ पे डू यू और एक्ट आप देख रहे होंगे डू यू एक्ट यानी कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस हो गया ठीक है ना तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे ठीक है लेकिन जाने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ मैंने आपसे कहा था ये हमारा कल का टॉपिक है जाने से पहले आप कुछ चीजों को सीख लीजिए ठीक है फॉन्ड ऑफ इंस्पायर्ड बाई आप देख रहे होंगे ठीक है फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन क्या होता है शौकीन स्केयर्ड ऑफ का मतलब डरा हुआ ठीक है और इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड बाई का मतलब प्रेरित ठीक है ना तो ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ ठीक है अगर आपको जब भी बोलना हो जैसे कि मैं खाने की शौकीन हूँ ठीक है या मैं इंग्लिश बोलने की शौकीन हूँ तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे आम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश बोलने की शौकीन हूँ ठीक है स्पीकिंग इंग्लिश आम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वही आपको बोलना हो कि मैं घूमने की शौकीन हूं तो एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग एम फॉन्ड ऑफ गोइंग मैं जाने की शौकीन तो इस तरीके से जिस भी चीज के आप शौकीन हो तो वहां पे आप फॉन्ड ऑफ का यूज कर सकते हो अब आप किसी चीज से डरे हुए हो ठीक है ना तो वहां पे आप क्या यूज करोगे uh, scared of... या आप आपको अगर किसी चीज से डर लगता है तो आप बोल सकते हो एम स्केर्ड ऑफ स्नेक ठीक है ना और वही अगर आप किसी से प्रेरित हो ठीक है ना इंस्पायर्ड हो तो यहाँ पे आप यू का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप किसी और को बोलना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो यू आर फॉन्ड ऑफ और जो भी एक्शन है यहाँ भी आप सेम वैसे ही कर सकते हो ठीक है आप पर, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन ये सब में आप आराम से चेंज कर लोगे ठीक है मैं आपको बस बता दे रही हूँ कि कैसे आपको बोलना है ठीक है इंस्पायर्ड बाय में हम सेम यही चीज़ करेंगे आम इंस्पायर्ड बाय ठीक है इंस्पायर्ड बाय आप जिससे भी इंस्पायर्ड हो ए पीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर या माय डैड कुछ भी आप ले सकते हो तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया इसको आप डेली अपने आ, मतलब इंग्लिश स्पोकन में यूज़ कीजिए ताकि इम्प्रूवमेंट हो थैंक्स फॉर वॉचिंग इसी के साथ कल मिलते हैं